दोस्तों आज हम बहुत ही टेस्टी पोहा और मूंगफली की रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। ये हमारे पास बिल्कुल बारीक वाला पोहा है। कई तरीके के पोहा आते हैं, जिस तरीके का आपके घर में पोहा हो उस पोहे से आप यह रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी हमने बारीक कटी हुई हरी पत्ती ली है, और हमने हरी मिर्च ली है, और 4-5 हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं। थोड़ी सी हमने बारीक कटी हुई लंबे लंबे टुकड़ों में हमने प्याज ली है। इसे हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बना करके तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो पोहा लिया था, पोहा को हम एक छलनी में डाल करके इसको छान लेंगे, जो इसके बिल्कुल बारीक बारीक से टुकड़े जैसे होते हैं वो छलनी से नीचे निकल जाएंगे। आपको जब कभी भी किसी भी तरीके की पोहे की रेसिपी बनाए तो आप छान जरूर लें, क्योंकि कभी कभी इसमें थोड़ी बहुत कीड़े भी होते हैं, तो कीड़े भी सारे निकल जाते हैं। देखो हमने पोहा को धो लिया है, हमें बहुत ज़्यादा पानी में इसको डाल के नहीं रखना है, थोड़ा सा ही हमने एक दो बार इसको धो लिया है, जो इसका डस्ट होता है डस्ट भी निकल गई है। और कढ़ाई में हमने छोटी चम्मच से आधी चम्मच सरसों का ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा जब गर्म हो चुका था तो हमने छोटी चम्मच से 1 चम्मच भर के जीरा डाल दिया है, और आधी चम्मच हमने सौंफ डाल दी है। सौंफ का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब भी आप पोहा बनाएं तो आप पोहे की रेसिपी में सौंफ जरूर डाल दें, चाहे थोड़ी सी डाल दें। और हम इसमें थोड़ी सी प्याज जो हमने कट करके रखी थी और लहसुन कट करके रखे थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ उसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। हमने 2 हरी मिर्च को टुकड़ों में कट कर लिया था। प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें प्याज में कोई कलर नहीं लाना है, थोड़ा सा ही सॉफ्ट करना है। आप इस तरीके से लंबे लंबे लच्छों में प्याज को कट करेंगे तो देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। देखो जो हमारी प्याज है थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, और जो हमने मूंगफली के बीज लिए थे भी उस बीजा को हम इसमें डाल देंगे, और इसी के साथ में हम इनको भी अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही टेस्टी आज की यह रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है। हमने 1.5 कप पोहा लिया है और 1 कप हमने मूंगफली ली है। यदि आप दोनों चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में लेना चाहते हैं तो बराबर बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं। और उसी के साथ में जब हमारी मूंगफली थोड़ी भुन जाएगी तो हमने 1 टमाटर लिया था, टमाटर को भी हम इसमें डाल देंगे। सब्जियां आप अपने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, आप इसमें गोभी का फूल भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल मूंगफली और टमाटर से बिल्कुल सादा बना करके तैयार करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले तो हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, मसाले भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमने सिर्फ इसमें हल्दी और नमक डाला है। आप जब इसी तरीके से मूंगफली के दाना को खाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। नहीं तो आपने जो पोहा फुला करके हमने रखा था उस पोहा को भी हम इसमें डाल देंगे। हम इसमें 2 तरीके की रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं। पहले तो जो हमने मूंगफली में सारी चीज़ें डाल करके तैयार की है उसको भी आप निकाल करके खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। नहीं तो आप इस तरीके से इसमें पोहा भी डाल करके पोहा बना करके तैयार कर सकते हैं, पोहा भी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। देखो हमने इसमें खूब सारी मूंगफली के बीज डाले हैं। इसी तरीके से यदि आपको मूंगफली के बीज ना डालना हो तो आप इसमें मटर के दाने भी डाल सकते हैं, और हम इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, खटास इसमें आ जाएगी। खटास से यह है जो हमारा पोहा बनेगा बहुत ही टेस्टी खाने में लगेगा। देखो ये हमारा कितना अच्छा 5-6 मिनट में पोहा बन करके तैयार हो चुका है, ना तो कोई झंझट होती है। बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आता है। अब बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सुबह सुबह इस तरीके से जब बनाएंगे तो अब मूंगफली भी बच्चे बड़े ही आराम से खा लेंगे। देखो ये हमारा पोहा मूंगफली वाला बन करके तैयार हो चुका है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो चुका है। आप एक बार अपने घर पर बना लेंगे तो कभी भी बाजार से पोहा नहीं खाएंगे, अपने घर पर ही बना करके तैयार करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।